आ करो तुम। अब प्लीज नील, चाहत आ करो। तो बाप तो जिद्दी मिला ही था, एक बीवी मिली है वो भी इतनी जिद्दी। सो सैड ना, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आपकी मुझसे शादी हो गई है तो मैं जिंदगी भर आपके साथ अटक गई। आ करो तुम, आ करो। बस अब नहीं। ओ हेलो हेलो, अब कहाँ चली तुम? नील मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। फ्लड्स की वजह से ना पूरा हॉस्पिटल पेशेंट से भरा हुआ है, और नील उन सबको मेरी बहुत जरूरत है। तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी हालत तो देखो, अभी तो तुम्हें चक्कर आ रहे थे। नील वो बस लो शुगर लेवल की वजह से था, और आपने मुझे इतना टेस्टी खाना खिलाया ना कि अब मैं पूरी फिट हो गई हूँ, इसीलिए डोंट वरी। और नील मैं मरीजों की खिदमत करने का ये मौका गंवाना नहीं चाहती, और हो सकता है ना कि अल्लाह मियां मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मेरी फरियाद सुन ले। और नील मैं बस ये चाहती हूँ कि बाबा को उनकी पदवी वापस मिल जाए, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्या हो यार तुम, चाहत तो मुझे रोज इंस्पायर करती हो कि कैसे मैं इन नफरत करने वालों का डटकर सामना कर सकूं। और चाहत तुम देखना, मुझे इतना भरोसा हो गया है कि नफरत करने वालों का अंत जरूर होगा और हम प्यार करने वालों की जीत। मैम पार्सल। पार्सल? शिब्बू ये तो अंग्रेजी में लिखा है, सारा लिखा। अरे उसका डिब्बा हमारे घर में क्यों आएगा? सारे जहाज, अच्छा इसमें कौन लिखेगा? अरे अरे ये गवारन क्या पढ़ने में लगी हुई है, जा सके नहीं भाई से पूछना। अब तो आपका खेल खत्म प्रमुख जी। अरे अरे डॉक्टर ने दीदी हालकू, हाँ ये देखिए ना कुछ पार्सल आया है, ये अंग्रेजी में समझ नहीं आ रहा, पढ़िए आप। चाहत ये आईडी तो ले लो अपनी। थैंक यू। बस अब ये चाहत के हाथ लग जाएगा और सरस्वती का नाम देखेगी तो वो पार्सल जरूर खोलेगी। हाल को अब बोलो।